गाइस कैसे हो आप सब। चलिए देखते हैं कि जिन के पार्टनर कैप्रिकॉन राशि के हैं, आपके सामने वाले जो पार्टनर है वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो कैप्रिकॉन साइन के है तो उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर बंदा या बंदी कैप्रिकॉन, ओके एक कार्ड और लेते हैं, कैप्रिकॉन राशि के हैं तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके टुवर्ड्स। ठीक है, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो चाहे नो कॉन्टेक्ट में हो, चलिए देखते हैं। वाओ नाइस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। देखिए, अगर आपके जो पार्टनर है, अगर वो सामने वाला आपका पार्टनर कैप्रिकॉन साइन का है, चाहे वो लड़का है या लड़की या सेम जेंडर वाले, ठीक है, तो यहां पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल में फीलिंग्स आपके लिए रखी हुई है कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको प्यार देना है, आपको ग्रोथ देनी है, आपको एक स्टेबिलिटी देनी है। ये सब चीजें आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चलती हैं, लेकिन चलती हैं आपको बताते नहीं, अपने दिल में हाइड रखते हैं, सब कुछ छुपा के रखते हैं। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। और यहाँ पे मेरे को कई लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, देखिए मैं आपको सारे सिनेरियो बताती हूँ। आपके पार्टनर से सोचते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं कि ये बंदी के साथ मेरी मैरिज होगी, मतलब ये कितनी प्यारी लगेगी, अगर इसके बच्चे होंगे तो ये कैसी लगेगी, या जब हमारी फैमिली होगी तो हमारी फैमिली कैसी बनेगी, मतलब ऐसी ऐसी बातें बहुत कुछ सोचते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक सेक्सुअली फीलिंग्स बहुत रखते हैं, एक इंटीमेसी आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरे को लस्ट नहीं दिखाई दे रही, ये मेरे को ट्रू लव दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, आपसे डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने दिमाग में थॉट्स लेके आते हैं कि ये बंदी अगर मेरी लाइफ में, बंदा या बंदी मेरी लाइफ में आ गए तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सोचते हैं लेकिन आपको बताते नहीं है, अपने दिल तक ही हाइट रखते, क्योंकि आपके पार्टनर फीलिंग्स बहुत हाइट करते हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाले हैं। ठीक है, अपनी चीज को कंट्रोल बहुत आसानी से कर लेते हैं, जो उनके दिल में है ना उनके फेस पे दिखता नहीं है कि मतलब वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात करूं तो मतलब धड़ाधड़ जिसको बोलते हैं ना, फीलिंग्स का भंडार है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशन है, सेक्सुअली फीलिंग्स आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, इंटीमेसी आपके साथ चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से लेके बुढ़ापे तक का सफर आपके साथ तय करना चाहते हैं। और दूसरा जो मेरे को सिनेरियो दिख रहा है वो ये है कि कईयों के पार्टनर मैरिड है, आप दोनों में से, या तो आप दोनों ही मैरिड हो या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है। एक सिनेरियो मेरे को ये दिखाई दे रहा है जिनके पार्टनर कैप्रिकॉर्न के है। ठीक है, ये भी मेरे को दूसरा सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन जो अनमैरिड है, चाहे मैरिड है, देखिए आप दोनों में से अगर एक अलग अलग मैरिड है ना, मतलब दोनों में आप मैरिड हो या वो मैरिड, तब भी यही सेम सिचुएशन है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल अनमैरिड हो, आपके पार्टनर भी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड, फिर भी यही सेम फीलिंग सेम है, सिर्फ सिचुएशन का इतना फर्क है, या तो कई लोग मैरिड है कई अनमैरिड है, ये चीज मेरे को दिख रही है। लेकिन अगर प्यार की बात करूं, फीलिंग्स की बात करूं, इमोशंस की बात करूं, तो बहुत है, बहुत है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, डे ड्रीमिंग है, प्यार, लव, फेथ, लॉयल्टी, सब कुछ फीलिंग्स बहुत अच्छी आई हैं गाइस, जिनके भी पार्टनर कैप्रिकॉन साइन के हैं। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, अगर वाकई ही आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नैना स्टारवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।